अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। एक मिनट, मैं सरफ बोल के हूँ, कपड़े धोने जा रहे हैं। रूम में लड़के सो रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, शोर होगा। ये मेरा है थोड़ा सा सरफ, कपड़े धोएंगे। ये हमारा दबाई, ये हमारा बिल्डिंग। ओके जी, आज मेरा दिल कर रहा है बिरयानी खाते हैं। यहाँ हमारे पास एक रेस्टोरेंट है मालापुरम का, मालाबारी मलयालम। तो मेरा मूड है काफ़ी दिनों से कि बिरयानी खा के आते हैं, और बिरयानी खाने जाएंगे, आपको दिखाएंगे बिरयानी, इंडियन फूड उनका डेलिकेसी, और वो किस तरीके से पेश करते हैं, बिरयानी में क्या कुछ होता है, किस तरीके से खाई जाती है। तो पहले कपड़े डालेंगे वॉशिंग मशीन में और फिर चलेंगे कहाँ, बिरयानी खाने। ये देखें जी, ये लाइन लगी हुई है, लोगों ने कपड़े धो धो के सुखाए में, मशीनें लग रही हैं, ये कपड़े मशीनों में चले हुए हैं, बारी का वेट कर रहे हैं, मशीन खाली होगी अपने कपड़े डालेंगे। यहाँ से आप सोप भी ले सकते हैं, लेकिन सोप जो है वो महंगी पड़ती है। एक जर्म का पॉइंट डालें कप में, आपको थोड़ा सा वो एक केमिकल मिलता है, एक तरह से वो शैम्पू टाइप। तो तरीकाकार ये है, यहाँ डालना है आपने एक कॉइन, कॉइन जो है वो एक जर्म का कॉइन होएगा। कॉइन भी दिखाते हैं आपको, हमारा दुबई का ये है एक जर्म, और इस जर्म को हम डालेंगे यहाँ पे, यहाँ से डालेंगे अपना सरफ जो कि हम लेके घूम रहे हैं, और वो धुल के। ये डिटेल्स हैं आपकी मशीन्स को ऑपरेट करने की, क्या मसला आएगा, क्या करना है, क्या नहीं करना, और इस तरह से ये मशीन्स लगी हुई हैं। हम कपड़े धोएंगे और फिर जब तक कपड़े धुलेंगे हम खाना खा के आ जाएंगे। चलें जी, ये एक मशीन फारिग हो गई है। यहाँ पे कपड़े मैंने पहले भिगो के रखे, मैं थोड़ा सा सर्फ डाल के वो मैं यहाँ डालूँगा मशीन में। ये लो जी, ये हमारे कपड़े आ गए इसके अंदर, थोड़ा जो सरफ वाला पानी है वो हमने गंद बला जो भी इसका बनेगा अब, हाँ सरफ हमारा, ये सीजनिंग मसाला डाल रहे हैं हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से खाना मज़ेदार बनाने के लिए। चाइना से मंगवाया है हमने, तो बंद किया हमने ठा करके। ये हमारा कॉइन है, आओ जी, मशीन हमारी ऑन हो गई है, ठीक है। टाइमर होता है, इस टाइमर के दौरान अगर आपने सिर्फ डालना हो यहाँ डाल सकते हैं, लेकिन सब कुछ ठीक है। तो हमें सिर्फ मैंने पहले डाल दिया नीचे से, वरना आप यहाँ से भी डाल सकते हैं। और 3 2 1 गो, अभी यहाँ से पानी जाएगा ऑटोमेटिकली इसके अंदर, वो दिखाएगा कि पानी जाना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर। ये देखें, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पानी जाएगा इसके अंदर और मशीन चलना शुरू होगी, ऑटोमेटिकली धोएगी कपड़ों को और बिल्कुल खुश करके बाहर निकाल देगी। खुद निकालने पड़ेंगे, तब तक हम खाना खा के आते हैं। चलें जी, ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट वॉशिंग पूरा, चलते हैं उसकी तरफ। तो वहाँ पहुँच कर हम आपको दिखाएंगे सर बिरयानी, दिखा सकते हैं, खिला नहीं सकते, खिला भी सकते हैं अगर आप आ जाएं मेरे पास, ठीक है। मैसेज करें आने से पहले, अपॉइंटमेंट लें, पहुँचें, पहुँचने के बाद फिर आपको वेट करना पड़ेगा हमारे छुट्टी का फ्राइडे वाले दिन, तो वहाँ फिर आके आप
बिरयानी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अभी सिर्फ देखें, आगे आगे देखें होता है क्या। आपको पता चलें पीछे ये हमारी ग्रोसरी है। ग्रोसरी को अरेबिक में बकाला कहते हैं। बकाला यहाँ पे जो शॉप्स होती हैं बकाला, वहाँ पर आपको छोटी से छोटी चीज़ जो है आपकी ज़रूरत की मिल जाती है। ये देखें जी, ये गाड़ी जा रही है हमारी कंपनी की एम्प्लॉयज़ को लेकर ड्यूटी का। और जहाँ मैं रहता हूँ इस एरिया को कहते हैं सोनापुर। अब ये पता नहीं कि सोनापुर क्यों कहते हैं, लेकिन इसका जो नाम है वो सोनापुर है। मोहसना 2, ये मेरे पीछे हमारा कैंप बोलते हैं यहाँ पे, बिल्डिंग्स को कैंप कहा जाता है। जहाँ जहाँ भी आप रहते हैं, जो कंपनी की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाती हैं अकोमोडेशंस, उन्हें कैंप कहा जाता है, कैंप नंबर। ठीक है जी, बिल्डिंग का कोई नाम नहीं होता यहाँ, मोस्टली जो है वो कैंप नंबर के नाम से जाना जाता है। ईज़िली होता है अंडरस्टैंड करना, ढूँढना। और ये हमारी जो है अभी गुजरेगी मेट्रो ऑफ दुबई, उसके बाद ये पीली बसें हैं स्कूल्स की, दुबई के जो स्कूल्स हैं उनको ये येलो कलर की जो स्पेशल बसेस हैं वो चलाती हैं। आज जुम्मे का दिन है, जुम्मा पढ़ चुके हैं। हाँ, सुबह नाश्ता किया था, दोपहर का खाना नहीं खाया, तो अभी जो है वो बेस्ट टाइम है खाना खाने का। ओके जी, हम अन्य बार रोड क्रॉस कर रहे हैं इधर उधर देख के। ठीक हो गया जी, होटल जो है वो नज़दीक ही है, पहुंचने वाले हैं। आपको होटल दिखाते हैं, फिर बिरयानी दिखाते हैं, ऑर्डर करते हैं और आपका टाइम नहीं लेंगे। बाय 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 बाय, किधर मतलब कि थोड़ा सा वक्फा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वो बिल्डिंग है मेरी, वहाँ से चल के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और 2 मिनट के फासले पे ये है ऑल डे रेस्टोरेंट। यहाँ पर ये मालावारी रेस्टोरेंट है एक तरह से। अब इसकी डिटेल मैं आपको बताऊँगा बाद में कि यहाँ पे खाना जो है वो किस तरह से दिया जाता है, अच्छा खाना दिया जाता है और किस किस तरह के खाने प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, वो चाय वाले भाई जो हैं गौर से देख रहे हैं, परेशान है कि ये क्यों वीडियो बना रहा है, पागल है बोली जा रहा है। लेकिन उसको हम बाद में एक्सप्लेन कर देंगे वो चाय वाले को कि भाई हम क्यों कर रहे हैं ये। ठीक है, जेंट सैलून है इस तरफ जो है, आपको आगे बंगाली मार्केट है नेक्स्ट डे, उसका भी हम दिखाएंगे आपको कि बंगाली मार्केट क्या होती है। दुबई के अंदर एक नई चीज़ है जो हमें नहीं पता। और वहाँ से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। ठीक है, आज करनी है बिरयानी ऑर्डर, बिरयानी खा के फिर दिखाते हैं आपको, अंदर जाते हैं। ठीक है, हाथ धोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने खानी है बिरयानी हाथों से। ये रेस्टोरेंट है और ये इनके पास असल में मालाबारी रेस्टोरेंट है, तो ये फिशेस भी जो हैं वो स्पेशली रखते हैं क्योंकि साउथ इंडियन जो है वो मछली शौक से खाते हैं, ये उनके फूड का हिस्सा है, तो डेली वो फिश खाना है उनको। ये ले जी, ये हम पहुंच गए हैं अपने होटल पे और हमारी बिरयानी पहुंच चुकी है। ये सिर्फ राइस है, राइस के नीचे भी एक गहरा राज है। पानी, साथ में स्पेशल रायता, सलाद, ये चिकन की ग्रेवी है हमारे लिए, ये साउथ इंडियन अचार है। साथ में जब भी आप साउथ इंडियन होटल पे जाएंगे आपको ये पापड़ जो है वो ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और पापड़ के साथ साथ ये हमारा है आज का खाना। अच्छा जी, ये है रेस्टोरेंट, ऑल्ड रेस्टोरेंट, और इनका जूसेस हैं, पहले फास्ट फूड है, शवारमाज हैं, प्लेटर हैं, फिर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे फलाफिल, अनियन रिंग्स, पोटैटो, ओके, वेजीज वगैरह, नगेट्स। ठीक हो गया जी, सैंडविचेस हो गए। आगे आपको ये आ गई फिर आपकी कढ़ाइयाँ, सूप, चाउमीन, राइस, फ्राइड राइस, बिरयानी, सिंगापुर फ्राइड, मंचूरियन। ठीक हो गया, लास्ट में आपका आ गया ग्रिल, बारबेक्यू।
ये आ गई हमारी बिरयानी, ठीक है, चिकन बिरयानी है, लेकिन यहाँ चिकन ऊपर दिख रहा है लेकिन हमारा चिकन जो है वो इसके नीचे है, एक डिफरेंट स्टाइल में पेश किया जाता है उसको, ठीक है। ये चिकन बिरयानी यहाँ 12 दिरहम लिखा है लेकिन आपको 11 दिरहम में मिल जाएगी, हमारा नाम लें एक दिरहम का डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो ये है हमारी आज की वीडियो का स्पेशल मोमेंट, ठीक है। इसको हम यूँ करते होते हैं, इस प्लेट में जब दिए जाते हैं चावल तो हम इसको यहाँ पे यूँ उलट पलट लेते हैं ऐसे करके, ये प्लेट रख देते हैं साइड पे, अब हमारा काम ख़त्म हो गया, बाय बाय। इस बिरयानी के अंदर आप देखेंगे, ये देखें ऐसे पीसीज होते हैं, वाह जी वाह माशाल्लाह, ये इस तरह के पीसीज होते हैं, ठीक है। और आज उन्होंने मुझे स्पेशली 3 पीस दिए, नॉर्मली 1 पीस होता है, ठीक हो गया। आज मैंने कहा अच्छी सी बिरयानी बना के दो, उसके बाद हम थोड़ा सा नींबू प्याज मसाला वगैरह हमारा ये इसके ऊपर डालेंगे और अपनी बिरयानी शुरू करेंगे। ये हमारे शहजादे भाई हैं, ठीक है, अपना नाम बताएं। मेरा नाम शफीकुल इस्लाम। ये हमारे भाई जो हैं बंगाल से हैं, बड़ी अच्छी बिरयानी हमें खिलाते हैं, तो आज हमने सोचा कि इनकी बिरयानी की वीडियो बना के भी यूट्यूब पर डालते हैं, आप लोग भी आएँ और बिरयानी को टेस्ट करें। थैंक यू। कैसी बिरयानी है? अच्छा बिरयानी। अच्छा बिरयानी, ठीक है जी, भाई ने भी कहा जी अच्छा बिरयानी है, यहाँ पे काम करते हैं, आप आएँ बिरयानी खाएँ, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ये लें जी, हमने पहली बार खा ली हैं और मंगवाए हैं, चावल आ गए हैं, साथ में हमने ग्रेवी जो है वो और मंगवा ली है, ठीक है जी। ये हमारा रायता आ गया, इसको भी फिनिश करते हैं। बिरयानी हमने खा लिया जी, अब बिरयानी के बाद कुछ नहीं बचा। 3 दफ़ा मैंने बिरयानी चावल मंगवाए हैं, ख़त्म हो गए हैं, चिकन पीसेस का हाल या हड्डियाँ बची हैं, खा गए हैं। रायता बहुत कम खा लिया था, सलाद मैंने बहुत कम खाया, ये थोड़ा सा खट्टा होता है साउथ इंडियन जो अचार है, इसलिए हल्का सा टेस्ट चेंज करने के लिए वो साथ यूज़ कर लेते हैं, बाकी ज़बरदस्त है सब कुछ, अचार थोड़ा सा टेस्ट कर लें तो अच्छा है, लेकिन ज़्यादा नहीं खाया जाता हमें, और फिनिश हो गया।
ये लें जी, आधा घंटा लग गया हमको बिरयानी खाने में। बिरयानी बहुत ज़बरदस्त थी, मज़ा आया। और अब जाके हम चाय पीते हैं। चाय जो है मुझे एक और जगह की पसंद है। और मेरे पास बल्कि बात क्या कर रहा था मैं, वीडियो बैक साइड आ रही थी। हमारे पास ऐसे है हाजरीन नाजरीन, ये क्या है, वीडियो साफ नहीं आ रही, अब आएगी, कैमरा गंदा हो गया था। अच्छा जी, हमने यहाँ पे क्या कर रखा है जी, मैंने स्पेशली सुबह नाश्ता करना है, दो तीन जगह फिक्स हैं कि जी यहाँ पे नाश्ता करना है जाके। तो नाश्ते में भी जी फलां होटल की फलां चीज़ पसंद है हमें, इतने नखरे हैं हमारे खाने के अंदर यहाँ पे। तो दोपहर का खाना खाना है जी फलां जगह चलते हैं, लेकिन शाम को अक्सर बिरयानी खाने का मूड होता है तो फिर हम यहाँ पर आते हैं। अगर क्योंकि हम खाना खाते हैं सिर्फ छुट्टी वाले दिन बाहर से, बाकी हफ्ते के छः दिन जो है हमें कंपनी की तरफ से खाना प्रोवाइड किया जाता है, तो ज़रूरत नहीं पड़ती है बाहर खाने से। तो वो जो है फिर एक दिन के अंदर भी हमारे नखरे होते हैं, सुबह कहीं और से, दोपहर को कहीं और से, और शाम को कहीं और से। तो आज मैं उठा था लेट, कल मैं ज़रा गया हुआ था कहीं और काम से, और अब जो है बिरयानी खा के बताइएगा ज़रा कैसा लगा आपको। ठीक है, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दें, रिव्यूज़ दें, ताकि हम जो है आपके कमेंट्स उन होटल वालों तक पहुंचाएं कि कैसा लगा। बल्कि आप खुद आएं, उनके पास जाएं, जाके बोलें जी हाँ आपका हमने वीडियो देखी है, खाना खाने आए हैं, बिरयानी खिलाएं, वो आपको अच्छी बिरयानी पेश करेंगे। ठीक हो गया। और सबसे बड़ी बात, बिरयानी खाने से जो मेरे अंदर तब्दीली आती है वो है ये। ठीक है, बहुत तबाही हो गई है, तीन प्लेटें मैं खा गया हूँ बिरयानी की। एक दफ़ा पहली प्लेट आई, मैंने कहा जी हाँ खा ली है, फिर मैंने कहा जी और ला के दो, और ला के दी सर्विंग उन्होंने, मैंने कहा जी एक और ला के दो। तो उसके बाद जो है ये शर्ट मेरी लूज़ है, इतना फील नहीं हो रहा, लेकिन पेट फटने वाला है, इसको हज़म करने के लिए चाय पीना ज़रूरी है। चलते हैं चाय का ऑर्डर देते हैं। चाय जो है हमारे कैंप के नीचे एक शॉप है बकाला के साथ, तो वो जो है हम चाय पियेंगे। ठीक हो गया जी, और चाय पीने के बाद फिर आपको हम ज़रा खुदा हाफिज़ कहेंगे। ये मेरी बात थोड़ी तसलसल से लंबी हो जाती है, मुझे एक दो लोगों ने ज़रा बताया कि जी आप बड़ा लंबा बात कर देते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आहिस्ता आहिस्ता इस बात को ज़रा हम शॉर्ट फॉर्म में करें। ठीक है जी, हमें आपके रिव्यूज़ का जो है वो इंतज़ार रहता है। चाय के साथ मैंने सोचा आपको दुबई की करेंसी भी दिखाते हैं। ये है जी 5 दिरहम, नोट उड़ते जा रहे हैं, हवा चल रही है, मौसम अच्छा हो रहा है, निशानी है इस बात की, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये है 10 दिरहम, ठीक है, पहले इनके पेपर के नोट्स होते थे, लेकिन अब ये एक प्लास्टिक टाइप मटेरियल है, उसकी जो हैं वो ये नोट्स हैं। ये सेंटर से ट्रांसपेरेंट है, आपको दिखेगा यहाँ से, इसी तरह जो है हमारा किधर गया, ये 5 वाला नोट है, ये भी प्लास्टिक टाइप चमकदार आपको नज़र आ रहा होगा, चमकता हुआ नोट। ठीक है जी, ये है 5 दिरहम, बाकी रह गया 1 दिरहम, वो आपने पहले देख लिया। ये लें जी, हम चाय लेके जा रहे हैं अपने वॉशिंग कपड़ों को लेने, फिर इन तारों पे सुखाएंगे, अगर यहाँ जगह मिली तो। हाँ जगह है खाली इधर। ठीक है जी, और उसके बाद हम जाके अपने रूम में बैठ के घर कॉल करेंगे, बात करेंगे अपनी बेटी से, बेगम को हाय बाय टाय शाय करेंगे, फिर घंटा बात करके बाय बाय करके हम सो जाएंगे, फिर सवेरे उठेंगे 3 बजे, ड्यूटी बीते जाना है पुत्र,
दुबई घूमन के नहीं आए, खावन के नहीं आए, काम भी तो करना है ना। मत तो सोचते नहीं हो इतना आया बंदा तो काम नहीं करता। एक कम को तुम घूमन चले जाओ तो घूमता बता इतने काम कौन करे। बस एक स्टैंड पड़ा है, मैंने कहा सोचो आपको दिखाता हूँ आज। तो इस स्टैंड को आप खोल सकते हैं इस तरह से, और फिर मज़ीद इसको खोल के यहाँ पर आप कपड़े सुखा सकते हैं। मैंने कहा यहाँ डालता हूँ, सुबह मुझे इजी होगा उठा के, साथ ही रूम में रखूँगा और ड्यूटी पे निकल जाऊँगा। वरना मुझे सुबह उठ के पहले नीचे जाना पड़ेगा ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ से कपड़े उतार के लेके आऊँगा। तो आलस, इट्स कॉल्ड आलस। ये लें जी हमारे कपड़े हमने सुखा दिए, अब जो हैं हम टेंशन फ्री हो गए। ये हमारे रूममेट्स आ रहे हैं प्यारे अरसलान भाई और आरफिन भाई, और देखिए अल्लाह के नेक बनते हैं, वज़ू करके आए हैं, नमाज़ पढ़ेंगे, हम सबके लिए दुआ करेंगे, आप सब भी हमारे लिए दुआ करें। ठीक है जी, ये मेरे कपड़े पड़े हैं, कपड़े 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 कपड़े, और ये हमारी चाय पड़ी है, हम चाय पियेंगे। ठीक है, ये हमारा वॉलेट है, इसके अंदर पैसे हैं, ये रुमाल है, हमें इसे पसीना साफ़ करते हैं, ये हैंड फ्री है, ये हैंड फ्री है, इसे हम म्यूज़िक सुनते हैं, ये मेडिसिन है, इसे हम पाँव पे लगाते हैं, ये हेडफोन्स हैं, ये भी कानों को लगाते हैं, ये हमारा तकिया है, ये हमारा कंबल है, और माशाल्लाह माशाल्लाह मसल्ला पकड़ लिया गया है, अभी बिछाया जाएगा, फिर नमाज़ पढ़ी जाएगी, तकबीर दी जाएगी, दुआ मांगी जाएगी। ठीक है जी, हमें भी दुआ में याद रखें। और देखें भाई पानी पी रहे हैं, ग्लास भर रहे हैं, और देखें स्पेशल जो है वो मिनरल्स वाला पानी पी रहे हैं। ये देखें विटामिन, कौन सा मल्टी विटामिन, एक भी लोग एक पीते हैं, ए बी सी डी, ये मल्टी विटामिन, एक ग्रह ना, एक 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 सारी गिर गई तो ख़राब हो जाएगा। हाँ ये देखें मल्टी विटामिन स्पेशल एनर्जी के लिए, आजकल भाई हमारे जिम जा रहे हैं तो माशाल्लाह एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तकबीर दे तकबीर, माशाल्लाह अल्लाह अकबर। ओके जी, खुदा हाफिज़। वो सामने दिख रहा हूँ मैं शीशे के अंदर, उसको आप देखते हुए हमें बाय बाय कह दे, बाय 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 बाय, टाटा।